दोस्तों आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं है अभय शर्मा, कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सबसे वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं जिनके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वह भाग होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे आप छू नहीं सकते हो। तो यहाँ पर सरल शब्दों में मैंने एक परिभाषा लिखी है कि सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों और क्रियाओं का एक समूह है। मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम्स, क्रियाएं मिलकर बनता है एक सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या है? यह कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। मीन्स किस प्रोग्राम को कैसे कार्य करना है या किसी प्रोग्राम को करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम ही होता है सॉफ्टवेयर। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तब भी आप किसी कार्य को आसानी से नहीं कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हार्डवेयर और यूजर के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं ताकि किसी विशेष काम को हम पूर्ण कर सकें। वैसे ही इंग्लिश में मैंने लिखा है, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स फंक्शंस दैट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द वेरियस हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी सभी कंटेंट को लिखा है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती थी, तो पर डे वो कमेंट्स कर रहे थे, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो जो भी टॉपिक्स हैं उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में जो मैंने लिखा है उसको आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार में देखें तो तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों, मीन्स जो सबसे आवश्यक बेसिक कार्य हैं उनको करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे आपको कोई कार्य करना होता है, किसी व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारे गुण हैं लेकिन अगर उसकी स्किल को डेवलप ना किया जाए तो वह गुण उसके अंदर वैसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर को कार्य के लायक बनाते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सरल शब्दों में कहें तो जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर ऑन होने में भी कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। जैसे आप देखते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर सिस्टम में बायोस नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम आसानी से ऑन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए सरल शब्दों में लिखा है कि कंप्यूटर को क्रियाशील बनाने के लिए सबसे आवश्यक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। कंप्यूटर में बूटिंग की प्रक्रिया होती है, आप सभी जानते हैं। बूटिंग क्या है? कभी आपका सिस्टम चल रहा है उसको फिर से रिस्टार्ट करना या पूरी तरह से बंद करना,
फिर से स्टार्ट करना, तो ये सारी प्रक्रिया आपकी बूटिंग के अंतर्गत आती है, जहां पर कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये सब कुछ होता है, जो आगे क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम भी है आपका। इसके अलावा दूसरे प्रोग्राम जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स आदि को चलाने की सुविधा भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर टू मेक द कंप्यूटर फंक्शन। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, तो एक फिगर जरा आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पर जूम करके समझाते हैं, सबसे पहला आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, देन यहाँ पर उपयोगिता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, देन सिस्टम प्रोग्राम, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन यूजर। तो इस प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से कंप्यूटर हमारा कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। दोस्तों, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश समझते हैं, बहुत सारे लोग तमिल हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग लोग समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, जो हिंदी नहीं समझ पाते, तो ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर सभी भाषाओं को नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है और इसी मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो वह अपने साथ में एक इंग्लिश ट्रांसलेटर रखता है। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, तो वहां पर मैंने बताया था कि ट्रांसलेटर की भूमिका कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा कि ट्रांसलेटर, अगर आप जानते हैं ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में, तो आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को बिना सोर्स कोड बदले कंप्यूटर की मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, उसे प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक कहते हैं। ठीक है, मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे गए हैं तो उसके सोर्स कोड को बिना चेंज किए हुए कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कंपाइलर की। दोस्तों, कंपाइलर क्या करता है, यह एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि सोर्स कोड को मशीनी कोड में कौन कन्वर्ट करता है। तो नोट कर लीजिएगा, सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है, बिना कंपाइलर के वह चेंज नहीं हो पाता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के जो पूरा सोर्स कोड है उसको एक बार में ही अनुवाद करता है। इसीलिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि अदर में क्या है कि हमें थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम का जितना भी सोर्स कोड है उसको एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। और दूसरी इसकी खासियत है कि अनुवाद करने में समय बहुत कम लेता है और इसमें गलतियों की संभावना भी कम होती है, इसीलिए कंपाइलर का उपयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं इसके बाद इंटरप्रेटर के बारे में। तो इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब एक क्वेश्चन यहां से आपका क्रिएट हो गया कि उच्च स्तरीय मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है हाई लेवल टू मशीनी लैंग्वेज। यह एक बार में एक लाइन अनुवाद करता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि इंटरप्रेटर एक बार में कितना ट्रांसलेट करता है, तो एक बार में एक लाइन अनुवाद करता है, अर्थात इंटरप्रेटर एक ही इंस्ट्रक्शन एक बार में ट्रांसलेट करता है। एक से अधिक इंस्ट्रक्शन अगर आपने दिया है तो पहले वो एक लाइन के इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे सीक्वेंस में वो काम करता रहता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह प्रत्येक लाइन की एरर को बताता है, मींस प्रत्येक लाइन में जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को बताता है। जब तक आप उन गलतियों को दूर नहीं कर लेते हैं तब तक यह आगे काम नहीं करता है। ठीक है, यह अनुवाद करने में समय ज्यादा लेता है,
जाहिर सी बात है कि जब वह एरर को चेक करेगा और चेक करने के बाद प्रोसेस करेगा तो उसको ट्रांसलेट करने में समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसको आसानी से पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं असेंबलर के बारे में। कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइंडिंग को समझता है, जीरो और एक को समझता है ना। तो असेंबलर का उपयोग क्यों किया जाता है? असेंबलर का उपयोग मुख्य रूप से असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन CCC एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, यह निमोनिक कोड। निमोनिक कोड कौन से होते हैं, जैसे एड, एनओवी, सब आदि, इसको बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है। मीन्स इन कोडों को वह जीरो एक में परिवर्तित करता है और कंप्यूटर के उपयोग के लायक बनाता है। इसके अलावा क्या करता है, असेंबलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में असेंबलर और इंटरप्रेटर दोनों कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेन दो पार्ट थे, कौन कौन से, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आपका हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, जैसे आपको कहीं पर जाना हो और किसी विशेष जगह जाना हो तो आप विशेष तरीके से तैयार होते हैं। या CCC की तैयारी करनी है, ओ लेवल की तैयारी करनी है, तो आप एक विशेष सिलेबस, विशेष तैयारी के साथ पढ़ाई करते हो। वैसे ही कंप्यूटर में अगर आपको कोई विशेष काम करना है तो उसके लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी उसी के अंतर्गत आता है। सरल शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण ही किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यूजर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। मीन्स यूजर को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उन सभी को कंबाइन करके सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमके मुफ्त में उपलब्ध हो जाते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, मीन्स उन्हें हमें परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसके बारे में, और इंग्लिश में जो लिखा है इसे भी आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसी के बारे में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और हम क्या कहते हैं, तो एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन आपका एंड यूजर प्रोग्राम के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इसको हम एंड यूजर प्रोग्राम क्यों कहते हैं, तो यह यूजर को किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनेबल करता है, इसीलिए इसको हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। मीन्स जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है तो वहाँ पर आप डाटा बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं, या आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, तो यह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो जैसे फोटो एडिटिंग करनी है, मान लीजिए आपको किसी फोटो की एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप फोटोशॉप का आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर एक फ़ोटो से आप बहुत सारी फ़ोटोज बना सकते हैं, फोटो का कलर चेंज कर सकते हैं, फोटो की साइज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, मीन्स जो भी काम आप करना चाहें फोटो की कंप्लीट एडिटिंग आप फोटोशॉप के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे ही पेज मेकर है, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है और MS एक्सेल है, इन सभी का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे MS वर्ड का उपयोग क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। MS एक्सेल का उपयोग क्यों करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे कोई डाटा बनाना है, टेबल बनाना है। पावर पॉइंट का उपयोग क्यों करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मीन्स किसी विशेष काम को करने के लिए ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो भी जान लीजिए। तो पहला है आपका विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे इंग्लिश में
कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विशेष उद्देश्य का मतलब किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाया जाए, वही आपका विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मीन्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको पूरी तरह से यूजर की आवश्यकता को देखते हुए बनाया जाता है। मीन्स यूजर को एक्सेप्ट में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखकर जिन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है उन्हें हम विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको काफी महंगा पड़ता है। वहीं दूसरा है आपका सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह आपके विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काफी सस्ते होते हैं, परंतु यूजर की सभी आवश्यकताओं को देखकर इसका निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे आप रेलवे वगैरह में देखते हैं तो क्या किया जाता है कि बड़ी संख्या में, मीन्स जहां पर एक से अधिक लोग उपयोग करें, वह आपके समान उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मीन्स ऐसे प्रोग्राम बड़ी संख्या के उपभोक्ता के लिए सामान्य आवश्यक कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स उनके जो बेसिक कार्य हैं, मूलभूत कार्य हैं, वो आसानी से होते रहें, बाकी उनकी पूरी आवश्यकता पूरी जरूरत इसमें पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर के तीसरे पार्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है आप ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने और कार्यशील बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं, जैसे कि आप एक बाइक ही ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, उस बाइक को आप हमेशा चलाते रहें, कभी भी उसकी रिपेयरिंग ना करें, उसका मेंटेनेंस ना करें, तो क्या होती है, बाइक की जो लिमिट है, उसकी जो लाइफ है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उसके एक एक पार्ट धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे आपके यूजफुल पार्ट्स हैं, जिनको अगर रिपेयर ना किया जाए तो वह सही से काम नहीं करते हैं और प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि वह कंप्यूटर की जो पार्ट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी रिपेयरिंग करते रहें, उसमें जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं उनको दूर करते रहें, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते रहें और कार्य के योग्य बनाते रहें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी या यूटिलिटीज भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया था, तो ये सभी काम कौन करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसे सामान्यतः कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने के लिए ही निर्मित किया गया है। मीन्स कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर वर्क कर रहे हैं वह सही से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये चेक करता है कि कौन कौन से हार्डवेयर इसमें कनेक्ट हैं, कौन सा हार्डवेयर वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं वर्क कर रहा है, किसमें क्या एरर्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें वो बताता है। देन वो चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसमें जो भी एरर्स आती हैं उन एरर्स को भी वह हमें बताता है। देन बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं उनको चेक करता है कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है, या इसमें जो भी एरर्स आ रही हैं उन सभी एरर्स को हमें बताता है ताकि उन्हें हम सुधार कर सकें और आसानी से उनका उपयोग हम कर सकें। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार देखें तो काफ़ी सारे प्रकार हैं। पहला है फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स, सिक्योरिटी प्रोग्राम, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजर्स। इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो के नीचे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ पर कंप्लीट ईबुक आपको दी गई है, तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से एग्जाम को टॉप करिएगा। अब यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है, आप सभी जानते हैं जैसे आपके कंप्यूटर में या आपके ही दिमाग में बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारे खुराफात होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं,
वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी में भी विभिन्न प्रकार के विशाल डाटा का संग्रह होता है, मीन्स कई अलग अलग प्रकार के डाटाओं का संग्रह आपके कंप्यूटर मेमोरी में होता है। और इन सभी का प्रबंधन का कार्य करता है कौन? फाइल मैनेजर प्रोग्राम। ठीक है, यह कंप्यूटर को सुरक्षित यह कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसमें डाटा को सुरक्षित करने के साथ साथ निम्न कार्यों को भी अनुमति देते हैं। मीन्स फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के साथ साथ और भी सुविधाएं देते हैं। कौन कौन सी? सेव फाइल, मीन्स फाइलों को स्टोर करना, डिलीट करना, जो भी फाइल आपकी पहले से स्टोर है उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। रीनेम करना, मीन्स अगर आप उनका नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। एडिटिंग डाटा, मीन्स जो भी आपके फाइल में डाटा है अगर उस डाटा को आप एडिट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एडिटिंग डाटा का भी उपयोग कर सकते हैं। चेंज इट्स लोकेशंस, मीन्स अगर आप किसी फाइल की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। या डुप्लीकेट, मीन्स एक फाइल की सेम एज एक और फाइल क्रिएट करनी है तो आप डुप्लीकेट फाइल भी तैयार कर सकते हैं। तो यह काम होता है फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम का। देन यहाँ पर बात आती है फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। दोस्तों आप भी क्या करते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाते हैं। आप देखते हैं कि आपकी कॉपी है या आप नोट्स क्यों बनाते हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है वो आपको कम शब्दों में आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, जैसे कि आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क है तो उसमें जो भी फाइल हैं उनको हम कंप्रेस करके उनका जो साइज है उस साइज को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। तो फाइल को कंप्रेस इसीलिए किया जाता है ताकि उसकी वास्तविक आकार को कम किया जा सके। तो यहाँ पर सरल शब्दों में मैंने लिखा है किसी भी फाइल के वास्तविक आकार को कम करने के लिए फाइल को कंप्रेस किया जाता है। फाइल को कंप्रेस करके उपलब्ध मेमोरी की क्षमता में वृद्धि किया जाता है। अब दोस्तों कोई फाइल है आपकी, मान लीजिए वो 1 GB की है, अगर आप उसे कंप्रेस कर देंगे तो वह कम की हो जाएगी। जब फाइल आपकी कम की हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मेमोरी की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाटा को सुरक्षित करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स का उपयोग करते हैं, जैसे विंडायर है, विनजिप है, 7zip है, इन सभी का उपयोग करते हैं हम फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर से फाइल को कंप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आसानी से आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं बैकअप एंड रिकवरी टूल्स। दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर आप सभी लोग मोबाइल पे फोटो भी रखते हैं तो उसका भी बैकअप लगा कर रखते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी गलती से अगर कोई फोटो डिलीट हो जाए या आपका मोबाइल खो जाए या कोई भी अन्य दुर्घटना हो जाए तो फिर से वो सारी फोटोज सारी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत भी आप जानते हैं काफ़ी टेक्निकल है, और कोई भी थोड़ी सी एरर हो जाती है या थोड़ी सी मिस्टेक हमारे द्वारा हो जाती है तो पूरा डाटा हमारा नष्ट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बैकअप एंड रिकवरी टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारा डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहता है, ना कि कोई प्रिंटआउट हमने निकाल कर अलमारी में रख दिया। जो है वो इसी के अंतर्गत है, जब हम ऑन करेंगे तो दिखेगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गलतियों की वजह से पूरा डाटा नष्ट हो जाता है, और इसे बचने के लिए बैकअप यूटिलिटीज़ का उपयोग किया जाता है। तो बैकअप यूटिलिटीज़ क्या करता है दोस्तों, जो भी आप डाटा सेव कर रहे हैं जिस भी लोकेशन में सेव कर रहे हैं, अगर आपने बैकअप यूटिलिटी का उपयोग किया है तो यह क्या करता है, किसी अन्य स्टोर, और अधिकतर क्या होता है कि किसी इंटरनेट क्लाउड स्टोरेज पर उसको स्टोर करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने उपयोग भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव का आप सभी अधिकतर उपयोग करते हैं, ड्रॉप बॉक्स, ये सभी क्या हैं, आपके ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हैं जहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं। तो बैकअप यूटिलिटीज़ क्या करता है, जो भी हम फाइल को सेव कर रहे हैं वह किसी अन्य स्थान पर उसको स्टोर करती रहती है, और जब हमारा डाटा नष्ट हो जाता है तो इसके माध्यम से हम डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा रिसाइकल बिन के बारे में, और जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो अच्छी तरीके से रिसाइकल बिन के बारे में जानते हैं। जो भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट करते हैं वह आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। ठीक है,
तो जो फाइल या फोल्डर आपने डिलीट कर दिया वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है, और जब हमें आवश्यकता होती है तो हम रिसाइकल बिन से उसे रिस्टोर या फिर रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम सिक्योरिटी टूल्स के बारे में। सिक्योरिटी टूल्स क्या है? तो वर्तमान समय में दोस्तों इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे बहुत पहले एक गाना आया था, जग सूना सूना लागे, है ना, तो वैसे ही अगर इंटरनेट 1 घंटे 1 मिनट नहीं चलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, है ना ऐसी बात। तो वैसे ही इंटरनेट के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसमें भी फायदे हैं और नुकसान है। आज हम इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हैं, तो इंटरनेट का जब हम उपयोग करते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारे नुकसान, जैसे बहुत सारे ना चाहते हुए प्रोग्राम्स आते रहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे वायरस आते रहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हमारा डेटा भी चोरी हो जाता है। आजकल डेटा इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है जितना कि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मनी नहीं है, क्योंकि इन डाटाओं को बेचकर कंपनियां बहुत सारा पैसा भी कमाती हैं, और उससे आपको बहुत भी ब्लैकमेल किया जा सकता है या आपको परेशान भी किया जा सकता है। तो डेटा चोरी है, वायरसेस हैं, ये सभी हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, और इन सबसे बचने के लिए सिक्योरिटी टूल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे वायरस से बचने के लिए बहुत सारे एंटीवायरस का उपयोग आप करते हैं। फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा भी कहा जाता है। यहाँ पर बात आई है फायरवॉल की, तो एक पॉइंट से यहाँ पर आप जरूर नोट करिएगा, फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है। अगर फायरवॉल उपस्थित है तो कंप्यूटर में इन सभी का खतरा कम हो जाता है, या हम नेटवर्क जैमर्स का उपयोग भी करते हैं। नेटवर्क जैमर्स क्या है? वो नेटवर्क को जाम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो विंडोज फायरवॉल यूटिलिटी, मैकफी, नॉर्टन, एविरा, ये सभी क्या है? आपके एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम की। दोस्तों आप घर पर कोई काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो क्या है कि कभी कभी बहुत सारे पेज आप फाड़ कर फेंक देते हैं या इंक गिर जाती है, कि कोई काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कचरा जरूर हो जाता है। ठीक है, उस कचरे को आप साफ करते हैं तो सुव्यवस्थित दिखता है। वैसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर यूजर हैं पर डे बहुत सारे काम करते हैं, जो उनका बेसिक कार्य है वो उनको करना ही करना है। तो जब वह वैसे कार्यों को करते हैं तो बहुत सारी अनावश्यक फाइलें क्रिएट होती रहती हैं। जैसे आप अभी अपना मोबाइल चेक करें और फाइल मैनेजर पर जाकर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी फाइल होती हैं जिनका आपकी लाइफ में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वह ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती हैं। उन्हें आप डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद 2-4 दिन बाद फिर से देखेंगे तो फिर से फाइलें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती हैं। तो वो क्या है? आपके लिए कचरा है। वैसे ही कंप्यूटर में जब हम अपना कार्य करते रहते हैं तो बहुत सारी फाइलें हैं वो अनावश्यक कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट होती रहती हैं, जो हमारे लिए एक प्रकार का कचरा ही है। तो इन अनावश्यक फाइल्स को सिस्टम से हटाने के लिए, अगर हम सिस्टम से नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम की प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो हो जाएगी, मीन्स यह प्रोसेसिंग को प्रभावित करने का काम करती है। तो इससे निपटने के लिए ही हम डिस्क क्लीनर का उपयोग करते हैं। डिस्क क्लीनर के द्वारा आप कंप्यूटर सिस्टम में जो भी अवांछनीय, मीन्स जो ना चाहते हुए आपकी फाइलें आ गई हैं या फिर जो भी अनुपयोगी डाटा है उसको पहचान कर उसे डिस्क से रिमूव करने का काम करती है, और जब यह डिस्क से रिमूव हो जाती है तो हमारा कंप्यूटर आसानी से कार्य करने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्क मैनेजर की। तो डिस्क मैनेजर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में कई लोकेशन पर स्टोर एक प्रकार के डेटा को संग्रहित करने का काम करता है। कौन? डिस्क मैनेजर। याद कर लीजिएगा, डिस्क मैनेजर प्रोग्राम सिस्टम में कई लोकेशन पर, मीन्स अलग अलग लोकेशन पर जो भी डाटा, अगर एक प्रकार का डाटा है तो उसको वह एक जगह पर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं पर अचार है तो एक साथ उसमें सारे अचार के डिब्बे रखे हुए हैं, या बिस्किट है तो सभी एक प्रकार के बिस्किट, मीन्स सुव्यवस्थित तरीके से आपने जो सामान रखा है वही क्या है आपका सुव्यवस्थित विज्ञान, मीन्स वही विज्ञान है। वैसे ही डिस्क मैनेजर भी क्या है कि अलग अलग लोकेशन में अगर एक ही प्रकार का डाटा है तो उन्हें एक जगह पर स्टोर कर देता है ताकि आपको असुविधा ना हो। अब दो चीजें यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? एक है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर, जिसे हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है,
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी को किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट पेड नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है। अगर हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जानते हैं तो उस सोर्स कोड में हम चेंजिंग करके उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मैंने दी है, वहां से आप आसानी से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फ्री होता है और उसके साथ में सोर्स कोड मिलता है, जिसमें आसानी से चेंजिंग करके हम उस प्रोग्राम को अपने अनुरूप बना सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आपका होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, मीन्स कंपनी से हमें उसे परचेज करना पड़ता है और उसके साथ में हमें कोई भी सोर्स कोड नहीं मिलता है। कंपनी जिस रूप में उसे हमें दे देती है उसी तरह से हमें उसका उपयोग करना पड़ता है, उसमें हम किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे आप उपयोग करते हैं एमएस ऑफिस का, तो यह आपका क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। और उपयोग करते हैं आप लिब्रे ऑफिस का, तो वह क्या है, आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन करिए और उन क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि आपका नाम वीडियो में टॉप पर आए। और यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं निर्देशों का समुच्चय, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर के प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, बताइए व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम चलाने को प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोग्राम बनाने को प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक, डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक, डिजिट या किसी विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर सोर्स लैंग्वेज। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है, शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो फटाफट कमेंट करके इन 5 प्रश्नों का आंसर आप दीजिए। कल की क्लास में इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ हम आगे के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।